कुमकुम भाग्य प्यार की कहानी प्रज्ञा और अभिषेक की है, जो विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे के लिए प्यार का एहसास करते हैं। शुरुआत में झगड़े। कहानी सरला अरोड़ा से शुरू होती है, जो एक विवाह मंडप कुमकुम भाग्य चलाती हैं और अपनी दो बेटियों प्रज्ञा और बुलबुल के लिए चिंतित रहती हैं। प्रसिद्ध रॉक स्टार अभिषेक अभी प्रेम मेहरा की प्रज्ञा से मुलाकात होती है और दोनों की शुरुआत में तकरार होती रहती है। जबरदस्ती शादी। अभी की बहन अलिया, जो अभी से प्यार करती है, प्रज्ञा से जलती है। वह एक गलतफहमी पैदा करती है कि प्रज्ञा अभी के दोस्त पूरब को पसंद करती है। अलिया चाहती है कि प्रज्ञा शादी कर ले ताकि पूरब उससे दूर हो जाए। इस गलतफहमी के चलते परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि अभी को प्रज्ञा से शादी करनी पड़ती है। धीरे धीरे प्यार का एहसास। शादी के बाद प्रज्ञा और अभी एक ही घर में रहते हैं और धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे को समझना शुरू होता है। प्रज्ञा अभी की जिंदगी में सुकून लाती है और अभी भी प्रज्ञा की परवाह करता है। उनके बीच प्यार का रिश्ता बनने लगता है। चुनौतियों से भरा सफर। लेकिन उनकी कहानी में कई तरह की मुश्किलें आती रहती हैं। अलिया उन्हें अलग करने की कोशिश करती रहती है। तानुश्री नाम की एक और महिला दावा करती है कि अभी उससे शादी करने वाला था। कुछ समय के लिए अभी की याददाश्त भी चली जाती है। प्रज्ञा को अपनी बेटी कियारा को भी खोना पड़ता है। सच्चे प्यार की जीत। हर चुनौती के बाद प्रज्ञा और अभी का प्यार और मजबूत होता जाता है। प्रज्ञा सच उजागर करती रहती है और अभी धीरे धीरे उसे समझने लगता है। आखिर में सच्चा प्यार जीत जाता है और प्रज्ञा भी एक साथ रहते हैं। कुमकुम भाग्य की कहानी यही खत्म नहीं होती है। उन्हें जिंदगी भर कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका प्यार हर मुश्किल को पार कर लेता है। ध्यान दें कि मई 2014 में शुरू हुआ कुमकुम भाग्य अब काफी आगे निकल चुका है और प्रज्ञा और अभिषेक अब शो में नहीं है। हालांकि उनकी कहानी दर्शकों के दिलों में हमेशा याद रहती है। फिलहाल कहानी उनकी बेटी कियारा और रणबीर के इर्द गिर्द घूमती है। अगर आप कुमकुम भाग्य की शुरुआत से लेकर प्रज्ञा और अभिषेक की कहानी देखना चाहते हैं, तो आप इसे OTT प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं।